हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक जो कि अभी आप मेरे फेस पे देख रहे हैं। अगर मैं इस मेकअप लुक की बात करूँ तो ये मैंने नवरात्रि में क्रिएट किया था। डे एक्चुअली मैं भूल चुकी हूँ, पिक्चर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी जिसे कि आप देख सकें कि मैंने सेम साड़ी पहनी थी और सेम मेकअप लुक मैंने उस दिन क्रिएट किया था। तो आप में से कई सारे लोगों ने कहा था कि मैं इसका डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो आज के वीडियो में मैं उसी लुक को रिक्रिएट करने वाली हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है या कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगी। जहां तक रही बात आउटफिट की, आप इसे किसी भी ग्रीन आउटफिट के साथ इजीली कैरी कर सकती हैं या फिर आप इसे किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकती हैं। और जितने भी मेकअप प्रोडक्ट मैं आज की वीडियो में यूज करूंगी सभी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां से चेक जरूर करिएगा। और सेकेंड पॉइंट ये है कि मुझे इस टाइप के मेकअप लुक ज्यादा अच्छे लगते हैं जो कि अट्रैक्टिव भी हो, काफी ब्यूटीफुल भी लगे और साथ ही साथ जिन्हें आप कम मेकअप प्रोडक्ट यूज करके बहुत ही कम टाइम में इजीली क्रिएट कर सके। क्योंकि ऐसे मेकअप लुक शेयर करना बहुत आसान होता है लेकिन जब मेन फंक्शन के दिन या मेन डे पे आप रेडी होते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए मुझे ऐसे झटपट वाले मेकअप लुक ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस मेकअप लुक को मैंने नवरात्रि में क्रिएट किया था, तो वही सेम मेकअप लुक मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसे आप दिवाली, करवा चौथ या फिर किसी भी वेडिंग फंक्शन के लिए, किसी भी फेस्टिव डे के लिए इजीली कैरी कर सकते हैं, चाहे डे टाइम में हो या फिर नाइट टाइम में हो। जहां तक रही बात लिपस्टिक की, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लाइट या डार्क जो भी आपको लिपस्टिक पसंद हो आप इजीली कैरी कर सकती हैं। लेकिन जहां तक रही बात मेकअप लुक की, काफ़ी वर्सेटाइल मेकअप लुक है और डे एंड नाइट दोनों के लिए परफेक्ट है। तो आप चाहे इसे डे टाइम के लिए क्रिएट करें या नाइट टाइम के लिए, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, अब स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है रोज वाटर जो कि है ओरिगेंस ब्रांड से। ये मैं अपने फेस को मॉइस्ट करने के लिए कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी फेस मिस्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लिप बाम जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करने वाले हैं। नंबर थर्ड है मॉइस्चराइजर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर यूज करिए लेकिन अपने स्किन को अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज जरूर कर लें जिससे कि आपका जो मेकअप बेस हो वो फ्लॉलेस लगे। बेस मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन जो कि है मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन और इसमें जो मेरा शेड है वो है वॉर्म न्यूड। फिलहाल मेरी स्किन टोन से ये शेड जो है वो मैचिंग है क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये फेस पे सेटल डाउन हो जाता है या मैं ये कहूँ कि ये ऑक्सीडाइज होता है हल्का सा, तो मेरी स्किन से मैचिंग है। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, मतलब A1 है अगर आप ट्राई करना चाहें तो। नेक्स्ट मैं हल्का सा कंसीलर यूज़ करूँगी और ये है मेबलिन का फिट मी कंसीलर और इसमें जो मेरा शेड है वो है 25 मीडियम। ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं और आप फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं या ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। बेस मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट जो कि है फेसेस कैनेडा का वेटलेस कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट आईब्रोज को फिल इन करना बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे आप एवरीडे का मेकअप करें या फिर किसी स्पेशल डे के लिए। आई शेडो उस दिन मैंने बहुत ही हल्का अप्लाई किया था तो मैंने एक मैट लाइट ब्राउन शेड अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई किया था और उसी शेड से मैंने अपनी क्रीज को डिफाइन भी किया था। नेक्स्ट ब्लू हेवन की कलर काजल पेंसिल और इसी से मैंने आईलाइनर ड्रॉ किया था। मतलब इतना सिंपल सा आई लुक जिसे आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ईजिली क्रिएट कर सकती हैं और वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। मस्कारा जो कि है मेबलिन का द कलोसल मस्कारा। ब्लश ब्लू हेवन का डायमंड ब्लश और इसमें जो मेरा शेड है वो है 604, बहुत ही अच्छा कोरल शेड है। फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शेड।
काजल क्योंकि फेस्टिव लुक है और फिलहाल मैं मेकअप कर रही हूँ तो बिना काजल के तो मेरा मेकअप लुक कंप्लीट नहीं होता। और ये काजल है NY Bay का, सुपर अफोर्डेबल है और साथ ही साथ बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अब हम फेस्टिव मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हैं तो हम हाइलाइटर ना यूज़ करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटर। नेक्स्ट मैं फिर से अपने फेस पे वही रोज वाटर स्प्रे कर रही हूँ जिससे कि जो भी पाउडरीनेस है वो चली जाए। लिपस्टिक के लिए मैंने उस दिन दो लिपस्टिक अप्लाई की थी। पहली है सुगर की स्मज बी नॉट लिक्विड लिपस्टिक और इसमें जो मेरा शेड है वो है 01 और उसके ऊपर मैंने अप्लाई किया था लॉरियल पेरिस की रूज सिग्नेचर लिक्विड लिपस्टिक 121। तो ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक। आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे एक पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि उस दिन मैंने सुगर की स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक जिसमें शेड है मेरा 03 इसके ऊपर मैंने लॉरियल की रूज सिग्नेचर लिक्विड लिपस्टिक 121 भी अप्लाई की थी क्योंकि ये शेड जो है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो इसे थोड़ा सा न्यूट्रल करने के लिए, थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए मैंने ये न्यूट शेड इसके ऊपर अप्लाई किया था। आपको अगर ऐसे बोल्ड ब्राइट शेड पसंद हो तो आप ऐसे वेयर कर सकती हैं, या फिर अगर आपको थोड़े से न्यूड या न्यूट्रल शेड पसंद हो तो आप उसे वेयर कर सकती हैं। और जैसा कि मैंने हमेशा ही शेयर किया है कि लिपस्टिक अप्लाई करना ये हमारी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है क्योंकि मुझे भाई बोल्ड शेड ही अच्छे लगते हैं जो कि आपके फेस को कॉम्प्लीमेंट दे, आपके मेकअप लुक को कॉम्प्लीमेंट दे। तो आपका जो भी फेवरेट शेड हो आप उसे इस लुक के साथ इजीली वेयर कर सकती हैं। तो आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।